हमारी यही अपील है कि जो हो चुका उसको वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन पहले जैसा हम लोग आपस में सौहार्द बना करके मिलजुल करके जैसे रहते थे ठीक उसी तरह से हम लोग रहें, और कोई अपने मन में कोई इस तरह का मलाल न रखे, क्लेश न रखे। और जैसे जीवन चल रहा था, बहराइच जनपद जैसे चल रहा था, महाराजगंज जैसे चल रहा था, रहुआ मंसूर जैसे चल रहा था, ठीक उसी तरह से चलता। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुए सांप्रदायिक बवाल में दिन पर दिन और भी खुलासे सामने आ रहे हैं। दंगे में शामिल करीब 70 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के लोगों के खिलाफ FIR करवाकर एक नया सियासी बवाल छेड़ दिया है। बहराइच में हुई हिंसा मामले में UP सरकार की अच्छी खासी किरकिरी होती दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के ही विधायक सुरेश्वर सिंह ने पार्टी की एक नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। सुरेश्वर सिंह महसी सीट से विधायक हैं। याद दिलाना होगा कि बहराइच हिंसा में गोली लगने के बाद राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी। वहीं दंगाइयों ने उत्पात मचाते हुए कई घर दुकानों को आग के हवाले कर दिया था। बहराइच हिंसा को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में भी राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखते हुए ये आरोप लगाया है कि धिक्कार है ऐसी भाजपाई राजनीति और सत्ता की भाजपाई भूख पर, जो सियासत के लिए देश के भाईचारे के बीच दंगा कराने की साजिश करती है। बहराइच हिंसा मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं, इसमें भाजपा मुंह दिखाने के लायक नहीं रही है। भाजपा के विधायक ही भाजपाइयों पर साजिश करने की FIR दर्ज करा रहे हैं और दंगाई छुपे कैमरे के सामने सच उगल रहे हैं। वही बात करें तो भाजपा के महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव व अन्य कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। विधायक का कहना है कि जब वो कुछ अन्य लोगों के साथ प्रतिमा विसर्जन यात्रा में मारे गए राम गोपाल मिश्रा के शव को लेकर पोस्टमार्टम हाउस जा रहे थे, तो अर्पित श्रीवास्तव और उसके साथ शामिल लोगों ने उनके काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग की। बीजेपी के विधायक द्वारा अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ FIR दर्ज कराने के बाद राजनीतिक माहौल बेहद गर्म हो गया है। विधायक ने FIR में कहा है कि अर्पित श्रीवास्तव और अन्य आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की नीयत से पत्थर फेंके थे और ये घटना रात 8 से 10 बजे के बीच की है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है और इसके लिए इलाके की CCTV फुटेज को खंगाला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, द लीडर, हिंदी।